मैं हूँ हेमा नेगी और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे पहाड़ मेरे मुल्क और मेरे गांव में इन हसीन वादियों में। तो गाइस अभी जो है कोहरा लग रहा है नीचे से, और गाइस ये है कृष्णा, ये केले के पत्ते और गाइस ये कृष्णा पता नहीं केले के पत्ते क्यों ले जा रहे, क्यों जा रहे तो हम ना सटी लोड़ ना तब ते फुट लगो तब हाँ अभी छोड़ तब तो जो घर अच्छी ना क्या बुंद वाली हूँ मैं तो कसम से ना इतने साल हो गए ना मैंने आज तक कभी भी जो है धान की कटाई नहीं की, बस मंडाई की है लेकिन कटाई कभी नहीं की। तो आज मैं पहली बार 20-22 साल बाद जो है पहली बार कटाई कर रही हूँ धान की। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो आपसे मिलते हैं खेत। ये देखो यहाँ पे चाची की रोटी बन रही है। चल आओ रोटी रोटी इतनी खा दी अरमा रोटी तो गाइस ये हमारा खेत और इसमें के हमने काट दिए सारे धान। अरे कृष्णा औरों का खेत है, देख सकते हैं इसकी हालत कैसी होगी बारिश से, अभी कच्चे हैं। और ये तो आपको पता ही होगा यहाँ से मैंने क्या बोलते हैं मखाने से लेके सब चीजें वीडियो बनाई छे। यो यो कृष्णा कुछ हो भाई। प्रांजल मांडव अरे कृष्णा आपने देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो काम करना चाहिए और देख काल वेगी अख पहले वार्निंग मिली और ना है तू एक मोरा बेटी तू एक माल आओ जो तितली पिटूंगू मैं तो बोलते पिटूंगू तो हरी हुआ पिटूंगू खाते नहीं खाते शेर बजे बस क्या कहते हैं देखता क्या पिज़ा ना मगर देन बंद ए नागर फुंछवा तुम समाए किस ये खुंदा तो ये खुंदा ये खुंदा धर धर ये खुंदा धर 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 एक रिश नहीं ये खुंदा ये तो धर 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 बिदर धर गिरी धर धर अरे मैं दिखाऊंगी यहाँ पे सुपर फास्ट कृष्णा कैसे मतलब कटाई कर रही है लगातार ऐसे एक धर्म में तो बहुत स्लो हूँ ये बहुत फास्ट फास्ट कर रही मैं इसका दिखाती हूँ मेथड कैसे काट रही है
तो गाइस अब मम्मी हमको सिखाएगी कि कैसे काटते हैं धान को, तो हम सीखते हैं कि मम्मी कैसे काट मतलब हमको सिखाएगी कैसे काटना है मेरे को खास करके। अच्छा ज्यादा नहीं काटा, खुश खुश अच्छा ये खेत वही है जो हमने रुपाई की थी, धान की रुपाई की थी, और आज हम जो है इसकी कटाई कर रहे हैं। मेरा पाँव खराब हो गया था जिस दिन मेरा पाँव कटा था और मैं रुपाई नहीं कर पाई थी, लेकिन आपके लिए मैंने वीडियो पूरी बनाई थी। अगर आपने रुपाई वाले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें उस वीडियो को, और देख सकते हो कितने छोटे थे और अब कितने बड़े हो गए और पक चुकी है धान। तो गाइस जून में जो है रुपाई हुई थी यहाँ, और बहुत छोटे छोटे धान थे, पौधे थे, और अब इतने बड़े हो गए हैं। और जून में रुपाई हुई थी और सितंबर लग गया है और यहाँ कटाई हो रही, 3 महीने में जो है बहुत अच्छे से पक गए हैं धान। और ये है प्रांजल, ये अभी मनाई कर रहा था नीचे पे चाचा लोगों के साथ। तो दोस्तों ये है नियाण, मतलब काफी अलग अलग रखे हुए सबने, और इसको नियाण बोलते हैं। और मौसम भी काफी अच्छा हो गया है, बहुत गर्मी लग रही है इसे, और हल्की फुल्की धूप है उधर की साइड, जो है मौसम खुलने वाला है। तो इस खेत को हमने पूरा आज कटाई करनी है, इस खेत की इतना बड़ा खेत, इतने बड़े खेत हमने रुपए, और वहां तक करना, जहाँ तक पोल है ना वहां तक हमने पूरा वो करना है, काटना है आज पूरे दिन भर तक जिस टाइम तक हो सके। और ये छोटा वाला खेत भी है, इसको देखेंगे कितना हो सकेगा, जितना हो सकेगा उतना ही काटेंगे। ये छोटा किसान हमारे साथ है, प्रांजल छोटा किसान, देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से कटाई की जा रही है यहाँ पे आराम से दौरी। छोटे किसान ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कटाई की जा रही है, बहुत बड़े ये देखो, अरे छह जी बुआरे भी मिल जो तब दी काम करना ठीक हुए जोला। अरे झूठ का बना सजी बना बुआरी काम बुआरी बोल खुश हो जल बुआरी तेरी, अरे जो है मिली हम तो काम कर चल चल काट काम कर चल चल काम कर। अब पापा जी जो है गोड़ा बने तैयारी करना छिन, सबसे पहले छिन तिमला लाव छिन भूई पधरिया छिन बढ़िया करी थे, और एक बार जी साटी छिन ना सीए मदन जैसे कि साटी खतेड़े ना भूई पर। मुड़ जाता मुड़ जाओ
चाचा किधर आप बुआरी हुए हैं? किधर आप बुआरी हुए हैं? दी ओहो ये देखो यहाँ पे नीचे पे चाचा जो है मनाई कर रहे हैं और हम यहाँ पे कटाई कर रहे हैं। तो हमने ये बड़ा वाला खेत जो है सारे काट दिए इसकी धान की और अब छोटा वाला खेत काटेंगे और मम्मी भी जो है यहाँ पे खिलाए तो क्या पटावला है नहीं बोलते तो कौन को लानी और माँ वो कौन को लानी आवाज मैं तो क्या कर रही हूँ? हाँ कौन की लाने क्यों क्यों बैठ जाओ बैठ। ये क्या ओंकारी था क्या काम कौन को बोल था कब आना? पांच दिन बाद मतलब रात दिन के लिए ना पांच रात बाद मान लेना चाहिए अक्की रात हो तो मान लेना। अच्छा पांच रात बाद अच्छा ये तो बड़ो पुंगड़ो छो ना तो लेकिन ये तो बड़ो पुंगड़ो छो ना फिर टाइम की था वैसे ये तो बड़ो पुंगड़ो जी ना तो कहीं मान नहीं था चार पाँच घंटा लगा ना मारण में तीन बजे रात ते दिन दिन दुई बजे फोन कराए छो पक्का ओहो। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पीछे जो है पापा ने लगाए कौन की और यहाँ आगे मम्मी लगा रही है और पांच रातों बाद जो है इसकी मंडाई होगी। अभी कटाई हो गई है और पांच दिन रात बोल रही रात बाद जो है यहाँ की मनाई होगी। और हमारे हाथ देख सकते हैं आप काम कर करके ऐसी हालत हो गई हमारे हाथों की बहुत काम करो ना ही एक दिन में हमने दो खेत काट दिए हैं। तो हम ना द्वी पोड़ा ले लिया नरे और कृष्ण भी थकी बेचारी तो हम आज बहुत ले थक लगी अब थोड़ा विश्राम करना का सबसे बड़ो पुंगड़ो छो पोलवा ये पुंगड़ा में हम रोपनी में वीडियो भी दिखाई छे और क्या क्या कहे छो खोमा भी खाने छे पुंगड़ा में हाँ रोपनी भी कर छे पुंगड़ा में खोमा भी खाना छे पुंगड़ा में पूरा दिखाए छे हमन आप लोगों ते। और आज हम जो छे लौड़ा भी दिखाना छे जे ना तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे सब्सक्राइब करे और शेयर करे और लोगों तक भेजे जो मतलब जो ये चीज देखनी वाली कि काम करता गाँव फोन तो पक्का भेज दें ये तो मिल रहा है थोड़ी देर बाद अभी माँ जरा लानी छो कौन को छठी कौन को लानेगी तो बाद में मिल रहा किलो जोड़ा जोड़न क्या होता परंपरा ची अभी हम कृष्ण चौड़ उगा।
इस खेत में जो है ककड़ी खाने का मजा है कुछ और है, और काफी भूख भी लग गई थी। और सुबह हम आ गए थे 8 बजे और 7:30 बजे हमने नाश्ता कर दिया था, और अभी बज रहे हैं 11, तो भूख तो काफ़ी लगी गई है, तो ककड़ी खाते हैं और बड़ा स्वाद आ रहा है इस टाइम पे ककड़ी पे। खेत में नमक नहीं लेकिन फिर भी बहुत मीठी हो रही है। आप लोगों को चाहिए ककड़ी? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ककड़ी हो रखी है, अभी भी हो रही है, छोटी छोटी ककड़ियाँ हैं। जे तो चढ़ना चाहिए बोल दिया, मैं भेज दियो लो। और हम जो सभी कट तो हम जो छो ना सभी साठी काटे रखी, और अब थोड़ा घास लेना चाहिए घर में होता, और तेके बाद घर चल रही और घर में काम धाम कर दें। भैंस तो पानी नहीं पिलाए, अभी पानी पुणी पी लो रहा, फिर खाना पे दिनों, फिर क्या पता शाम वगैरह हम मानन जोला। यदि आप अच्छे क्या करना चाहिए, मौसम में क्या भरोसा है, अभी मौसम का कोई भरोसा नहीं है, बारिश भी आ सकती है और ऐसा भी रह सकता है, क्योंकि बाद खराब देख सकते हैं आप मौसम का क्या हाल है, तो देखते हैं क्या हाल। गाइज मैं जो हूँ घर पे पहुँच गई हूँ, और गाइज मैं आपको जो हमारे परिवार के नए सदस्य से मिलाना चाहती हूँ, उसका नाम है मिट्ठू, तो मिलाती हूँ मैं अपने परिवार के नए सदस्य से मिट्ठू से आप लोग को। मिट्ठू मिट्ठू, तो गाइज ये है हमारे परिवार का नया सदस्य मिट्ठू। अरे मिट्ठू हेलो कर, हेलो कर मिट्ठू, हेलो कर, हेलो कर, हाय बोल मिठू, हाय बोल मिठू, हाय बोल। ये है हमारा मिठू, हाय बोल मिठू, आएगा आई। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा मिठू? और यह मुख है नहीं बांध रहे चाहिए मूंगी बे काखड़ी ये दे। कौन कौन खाएगा? तो कृष्णा वहाँ पर कभी उड़ी घाम भी उड़ी, तो ये मौसम तो क्या बोल रहा? अरे शाओ भी होने बोल रहा था। शाओ भी होने? हाँ। अच्छा तू भी जाए भात खा शाओ भी होना? चला तो दिया ली जाना। मैंने क्या किया? किसी भी ले जाना, किसी भी ले जाना। और लड़ी? कल जाना। काके ले जाना या कौन काके? काके ले जाना, हम काके ले जाना, भात खेता होना चाहिए हम। तो बस बरखा लगी चाह आ रही, मौसम भी खराब हुएगी, और मोड़ी पुन लोग काम करना चाहिए, साटे उठाना चाहिए ना सरा सर जिसे गीला ना हो। और क्या बन आज शायद से मैं तो लोगों को दिन में ना मारो प्लान कैंसिल हो नहीं कृष्णा, तो जो अगर बरखा ओली तो मारण नहीं जोला छुट्टी अभी बन आज हम मारण जानता अब पता नहीं अब बरखा ओनी छो तर आराम कर सुबह बड़े बहुत काम कर दन के लिए हम तो आज बहुत ज्यादा, तो जो खाचिन के शाम वगैरह फिर मिल लचिन शाम वगैरह तब। अभी बज रहे हैं 3:30 और हम जो है खेत में जा रहे हैं मनाई करने के लिए, हालांकि बारिश हो रही है यहाँ हल्की हल्की, लेकिन घर वाले कह रहे नहीं नहीं जाना है, फिर भी देखते हैं क्या होता है, खेत में पता चलता है ज़्यादा बारिश आ रही है कि नहीं आएगी, तो चलते हैं खेत में। काम करने लगे और यहाँ मस्त वाली धूप लगी है, और तो जो छो ना बरखा लगी जो घाम लगी बढ़िया वो साइड।
आधा। ये पानी तो लो वही हमने यहाँ का पूरा कर दिया देख सकते हैं। पर आज जो है घाम लगे लिया, घाम नहीं पर फिर भी लगे लिया, और यहाँ उठाने की तैयारी हो गई है। और हमारे जो है धान हुआ है वो हुआ है एक बोरी और एक कंडी। और अभी थोड़ा उसमें बचे हुए हैं तो उसे दूसरे थैले में डाल देंगे। और बहुत ही थकान भरा काम है आज, तो बस टेलर था और डेली ये काम तो हमेशा चलता रहेगा 10-15 दिन, क्योंकि बहुत सारे खेत है, बहुत ही ज्यादा। ये लोग जाने लग गए दूसरे खेत में और मैं इनको धूप में रख लूँ, छांटे कर दूंगी और उसके बाद ही जाऊंगी मैं खेत में। मैं पुकार में जाना तुम क्यों जाना अम्मा? अच्छा चल ठीक है, एक में जाना तुम। तो मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करती हूँ और फिर मैं भी चलती हूँ। मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं भी जाती हूँ वहाँ उधर की साइड, और फिर मुझे बस पराली घाम रखना है बस, क्योंकि मेरी बस की नहीं ज़्यादा मारने की, तो मुझे बस पराली घाम रखना है। और काफ़ी थकान लगती है इस काम में क्योंकि कमर टूट जाती है। मैं क्या बताऊँ, आप लोगों ने कभी किया होगा तो आप लोगों को अपने दिन याद आ रहे होंगे हम कैसे काम करते थे। क्या पता गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, थक लगी। या मुचा ची झोंगुर लोनी कमे लोग बड़े लोग ठीक हो तुम तभी तुमसे बड़ो है झोंगुर तो तुमसे बड़ो झोंगुर गाइज़। आप मेरी हालत देख ही रहे होंगे कैसी हो रही है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय उत्तराखंड, जय गढ़वाल, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।